हे एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम आलोक धनवा, जो कि है हिंदी का चैप्टर 2, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलोक धनवा, जन्म सन 1948 ईस्वी, मुंगेर बिहार। प्रमुख रचनाएं, पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद बागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध, दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह। प्रमुख सम्मान, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा प्रदेश परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। पहला सम्मान, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। सातवें आठवें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाग में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले दो दशकों से देश को विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो के बाद कि शरद उजाले का प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो आलोक धनवा का ये खत्म हुआ। और अगर आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है पतंग को, तो आप देखिए इसकी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।